हटो आदित्य, हटो भाई। तो मुझे आदित्य क्यों बोले? अरे गुड मॉर्निंग टू माय सब्सक्राइबर्स एंड माय फ्रेंड्स, आई एम ओडिन रिद्धि। यू कैन सी द माउंटेन एंड देयर इज द क्लाउड्स। मुझे मैंने सब्सक्राइबर्स बोले कि हिंदी में ब्लॉगिंग करने के लिए, इसलिए मैं आज हिंदी में कुछ बोलना चाहता हूँ। यहाँ का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। यू कैन फील द थीम। आज मैं आपको बहुत 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 अच्छा फ्रेंड से मिलवाऊंगा, वो आपको इस जगह के डिटेल्स बता देंगे। सो ये मेरा फ्रेंड है और उसका नाम है आदित्य। हाय तो भाई। तो मुझे आदित्य क्यों बोले? अरे मेरा नाम हाय तो भाई, तो मैं कुछ बोलूं। हेलो फ्रेंड्स। Yes. सुने, मेरा नाम है आटो और मैं आपको पूरे जगह के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा घर है, वहाँ दिखाइए कि मेरा घर है और यहाँ पे चार घर है, चार। तो वहाँ पे जगह पर और आज मैं आपको इस पूरे जगह के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। So friends, आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो गाइस मैं सही में बता रहूं, आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है और आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि आदित्य हमको कुछ बोलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बता देने के बाद बताऊँ, क्योंकि आपको रिद्धि के बारे में बहुत कुछ जानते पर आप मेरे बारे में कुछ नहीं। तो आपको पहले मेरी स्टोरी बताना। मैं पैदा हुआ था पूरी में और गाइस मैं सबसे प्रथम तो मेरे को पूरी बहुत पसंद है और भुवनेश्वर भी। और लेकिन एक दिन मेरे को यहाँ पे आना पड़ा डेंकनाल में और मैं यहाँ पे अपनी अच्छे से लाइफ जी रहा हूँ। और मैंने आपको नर्सरी में कितने मार्क्स लाए हैं? 0। वाह 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 वाह, मैंने 0 लाए। इन लैंप के बारे में भी आप तो कई लोग कोई लैंप बता दे। गाइस मेरे को पहली बार में बहुत ज्यादा शहर आने लगी क्योंकि मैं पहली बार यूट्यूबर बन रहा हूँ, क्योंकि गाइस मेरे को पहले कभी यूट्यूबर बनने का मौका नहीं मिला और आज मैं फाइनली यूट्यूबर बन ही गए। और एक बात की अगर मेरे को पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं आता, लेकिन मैं एक स्कूल में गया हूँ जिसको आप में नाम बताने वाला हूँ, उसका नाम है सरस्वती मंदिर विद्या मंदिर। और नए कुत्ते आए हैं हमारे घर में, पता नहीं कितने, 2 पालतू कुत्ते हैं, एक का नाम है छोटू और दूसरा का काली। तो भाई यहाँ क्या बनने वाला है? बच्चों के लिए और किसके लिए? बच्चे बड़े सब। सब पापा तुम भी तो था ये ब्लॉगिंग करो, कुछ भी बोलो। ब्लॉगिंग है, कुछ बोलो इनको, बताओ बताओ। आप इंट्रोड्यूस कराएंगे उनका? ओके। हाँ तो ये ऐसे में डैड हैं, यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क के लिए बहुत काम करते हैं और ये क्या है अभी ओशो नगर का इंचार्ज है। तो गाइस तो ये कौन सा रास्ता है? पता भाई जी आसी पर ले नहीं सरकार का ले आसी। तो सो गाइस हम लोग आगे जाते हैं, लेट्स गो। तो ये कौन सा रास्ता है जाने के लिए? अच्छा यहाँ पे मेन गेट है, आपके लिए और एक खुशखबरी है कि शाम तक खुला रह सकते है और ये रात को ये बंद हो नहीं रात। मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, मालूम
वाह मोदी जी वाह। अरे देख के बोलो यार। सॉरी सॉरी गाइस। लेकिन गाइस आपने कभी ओशो का प्रवचन सुना है? क्या बोल दो, मुंह में बोल दो, फोन में अच्छा नहीं। मुंह में नहीं, मेरे को थोड़ा सा अभी बोलो तो गाइस हम अभी चिल्ड्रन पार्क देखने जा रहे हैं। गाइस अभी चिल्ड्रन पार्क देखने जा रहे हैं, चलो तो आप लोग मत बांध दो। लेकिन आप लोग पेड़ देखते हैं कि ऐसे बच्चों की डोली खेलने के लिए आइए आइए करते हैं। तो गाइस चलो हम चिल्ड्रन पार्क देखेंगे। सो आप देख रहे हैं मेरा नाम है आयतो और आप प्लीज यार मेरी फ्रेंड रिद्धि ठीक है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। और गाइस अगर आप इतना सपोर्ट दोगे तो रिद्धि का चैनल ग्रो हो जाएगा और एक्चुअली उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी। और एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ जो कि मैं रिद्धि को ही बता सकता हूँ और कोई। आपने सुना नहीं ना? यस। अगर तो गाइस वो प्लान ये था कि अगर आप हमारे को स्ट्राइक दोगे ओवरहेड स्ट्राइक तो हम डांस इतना अच्छा डांस किया आपको पसंद है। तो गाइस हम तो यहाँ पे ही रहने वाले हैं तो चलो हॉल गेम को स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, एक फिल्म जितना एक हिस्सा। तो आज हम लोग पहले ये वीडियो चलेगी दिन से लेकर रात, तो देखते हैं कहाँ तक वीडियो। चलो कमान कमान उसे जहां से मिटा।